नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉक हिंदी न्यूज। दोस्तों, राम रहीम का रिकॉर्ड ऐसे तोड़ेंगे योगी, सरयू तट पर जलाए जाएंगे 1,71,000 दीप, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में इस बार त्रेतायुग जैसी दीपावली का त्योहार मनाने का फैसला योगी सरकार ने लिया। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। इस बार सबसे खास अयोध्या में सरयू के तट पर 1,71,000 दीप जलाए जाएंगे। सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक सरयू की आरती करेंगे, उसके बाद से ये दीप जलाए जाएंगे। दीपोत्सव के लिए शाम 6 बजे से 6:30 के बीच का समय तय किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। इस बार सरयू तट पर करीब 14,000 लीटर तिल के तेल से 1,71,000 दीप जलाए जाएंगे। इस दीपोत्सव को योगी सरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड बाबा राम रहीम के नाम पर दर्ज है। यह रिकॉर्ड बाबा राम रहीम ने 2016 में बनाया था। क्या है राम रहीम का रिकॉर्ड? इससे पहले हरियाणा के सिरसा में 23 सितंबर 2016 को आयोजित किए गए कार्यक्रम में 1,50,000 नौ दिए जलाए गए थे। यह कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वैसे राम रहीम के नाम यूं तो 53 रिकॉर्ड दर्ज हैं, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। इनमें 17 गिनीज बुक, 25 एशिया बुक रिकॉर्ड, 7 इंडिया बुक रिकॉर्ड और 2 लिम्का रिकॉर्ड हैं। 5,000 स्टूडेंट्स दीपोत्सव में लेंगे हिस्सा। राम की पौड़ी पर दीप जलाने की जिम्मेदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को दी गई है। अवध यूनिवर्सिटी के 5,000 स्टूडेंट्स इस दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। हर दीपक में 50 ग्राम तिल का तेल डाला जाएगा। साथ ही लखनऊ से लाई गई रुई की 2 बत्तियों को इसमें लगाया जाएगा। तिल का तेल अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के जिलों से अरेंज किया गया है। वहीं अवध यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस बार 1,71,000 नहीं 2,00,000 दीप इस बार सरयू तट पर जलाए जाएंगे। 3 किलोमीटर एरिया में होगा दीपों का उजाला। आज शाम 6 से 6:30 के बीच इस दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए समय तय किया गया है। अयोध्या का 3 किलोमीटर लंबा सरयू तट, राम कथा पार्क और राम की पौड़ी 1,71,000 दीपों से सजेगी। इसके पहले सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक सरयू तट पर आरती भी करेंगे। 9 द्वार से होकर सरयू तट पर पहुंचेंगे लोग। सरयू तट पर पहुंचने से पहले आपको 9 द्वार मिलेंगे, जिन्हें अलग अलग लाइट और डिजाइन से सजाया गया है। वहीं अगल बगल के मंदिरों को खास तरह की लाइट्स से रोशन किया गया है। रामघाट पार्क से लेकर सरयू घाट तक के बीच सिर्फ 9 लाइटिंग द्वार बनाया गया है। नागेश्वर नाथ घाट, लक्ष्मण घाट, वैदेही घाट समेत 9 घाट को लाइटिंग से सजाया गया है। छोटी दीपावली की 1 रात पहले अधिकतर लोग अयोध्या देखने आ रहे हैं। रामघाट के पास रहने वाले प्रवीण सिंह ने बताया, मेरी उम्र 50 साल की हो गई, लेकिन ऐसा बार देख रहा हूँ। 20 साल के अमरीश पांडे बताते हैं कि ऐसा हर बार होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा रहा। अद्भुत दीपावली देखने विदेशी सैलानी भी आए। इस बार अयोध्या के घाट पर कई विदेशी सैलानी देखने को मिले, जो अपने इंडियन फ्रेंड के साथ घूम रहे थे। फ्रांस से आए एक सैलानी, मैं पहली बार आई हूँ, मैंने कभी ऐसा डेकोरेशन देखा नहीं था। लाइटिंग और दीप भी सजे हैं, मैं छोटी दीपावली की रात को जरूर आऊंगी।